I feel that our generation is fucked when it comes to romance because we have grown up watching the wrongest decade of Bollywood. Okay. I think it was when we were growing up, तो आगे सारे प्यार बेचने वाले करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, उनके पिताजी, उनके चार इंटर्न, right? I genuinely feel that यश चोपड़ा जी is like my third parent, okay? माँ बाप ने सिखाया कि चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, यश जी ने सिखाया कैसे बर्बाद कैसे हो जाते हैं प्यार में, जिंदगी तबाह कैसे कर लेते हैं. I feel the movie has fucked me up the most is this movie called Dil To Pagal Hai. Okay. Dil To Pagal Hai came in the year 97. Okay. It had Shah Rukh Khan, Madhuri Dixit and Karishma Kapoor. It gave people like us multiple goals in life. सबसे पहले it gave us this idea कि हमें बड़े होके काम क्या करना चाहिए. Because picture में कोई भी office नहीं जाता, कोई भी college नहीं जाता, कोई rubber pencil को हाथ नहीं लगाता, सब लोग बड़े बस ले गए करते रहते हैं. Your mind blown. Like, हम लोग की जिंदगी होमवर्क ट्यूशन से उबर नहीं पा रही है, इनकी पूरी लाइफ एक्स्ट्रा करिकुलर चल रही है, ऐसे क्या गलत कर रहे हैं हम लोग. The second this movie taught us, specifically us girls, was कि हमें बड़े होके औरत किस टाइप की बनना चाहिए. Because picture में दो हीरोइन हैं, एक निशा एक पूजा. जो निशा होती है वो स्पोर्ट्स ब्रा पहनती है और जो पूजा होती है वो ट्रांसपेरेंट कुर्ते पहनती है. ये इनके डिफाइनिंग फीचर्स हैं मोस्टली. ओके. बट मूवी बिल्कुल भी चीप नहीं है बिकॉज हीरो बहुत डीप है. ओके. उसे इन गर्ल्स की बकचोदियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ही इज इन लव विद दिस हायर कॉन्सेप्ट कॉल्ड माया. ओके. प्रोनाउंस्ड एज माया. माया. ओके. माया जो सिर्फ अपने लिए नाचती है. ओनली फॉर हरसेल्फ. Can you guys imagine? What a psychopath. अपने लिए अकेले कौन नाचता है पूरे टाइम? उसका बिजली का बिल कौन भरता है गाइस? I was thinking, what is his personality? अपने लिए क्यों? गाइस, मंजुली का भी चार लोग का ऑडियंस निकाल लेती. अगर ये माया ही बनने से प्यार मिलता है तो हम लोगों को SUPW में तकिया काटना क्यों सिखा रहा है यार? इसका स्किल सेट पिक्चर में कितना वेल डिफाइंड है. ओके. इट इज कॉल्ड भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आय हाय. ओके. इट्स सो डूएबल. थिंक अबाउट, इट्स नॉट इवन एंट्री बैरियर गाइस. थिंक अबाउट भोली सूरत, हम में से किसकी सूरत भोली नहीं है? हां, जस्ट लुक अराउंड यू गाइस, हम हमारे जीन्स ही लल्लू हैं. हम में से कोई बहुत होशियार लुकिंग पैदा नहीं होता है. आंखों में मस्ती, वी ऑल नो कि इसके लिए बहुत नशे अवेलेबल है. लेट्स नॉट गेट इनटू इट. ओके. And what else? दूर खड़ी शर्माए. I was like, oh shit. I think यहीं गड़बड़ हो जा रही है. Clearly ये woman empowerment के चक्कर में यहीं fuck up कर दे रहे हैं. Clearly यश जी बोल के कहेंगे, अगर आपको महिला होके प्यार चाहिए तो आपको दूर खड़े होके शर्माना होता है. आपको अपने प्रिंस चार्मिंग, अपने रेंग रेंग के नागिन डांस नहीं करना होता. Very bad strategy. जब से मुझे एपिफेनी आई है लाइफ में वापस, मैंने जिंदगी में जो यू टर्न लिया है, अब हालात कुछ भी हो मैं दूर खड़े शर्माती ही रहती हूँ. कुछ भी हो जाए, वैक्सीन की लाइन यहाँ लगती, मैं दूर खड़े शर्मा रहा हूँ. वो लोग कहते हैं, हम पागल वागल हो गई क्या? फेंक के नहीं मार सकते हैं वैक्सीन. डार्ट बोर्ड नहीं चल रही है आप. But I'm not giving up. उबर वाले भैया पिकअप करने आते हैं. लोकेशन पे आ गए हैं, आप कहाँ हैं? हाँ, कहते हैं आप ढूंढिए, मैं शर्मा रही हूँ. But guys, the final lesson movie gave us was कि प्यार होता क्या है. Because movie की philosophy है कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है, और जब वो आपके सामने आता है तो इशारा वहां से आता है, डायरेक्ट. क्या इशारा आता है? नॉट डिफाइंड. पूरी पिक्चर इसी वेगनेस पे बेस्ड है कि इशारा आएगा वहां से आएगा डायरेक्ट. अगर पर क्या आएगा, वी डोंट नो.
वी हैव टू फिगर इट आउट. जूता कुत्ता पत्ता गोभी कुछ भी हो सकता है सर. पूरी मूवी में सब लोग सिर्फ टाइम ही वेस्ट कर रहा है. अक्षय कुमार बिचारे पहली बार खिलाड़ी यूनिवर्स क्रॉसओवर करके आए, अपना बाल लंबा करके ऐनक लगा के, कोई उनको भाव ही नहीं दे रहा, कोई तवज्जो ही नहीं उनकी है. आई एम सो श्योर कि ऊपर वाला भी कभी कभी बोलता तो होगा यश जी को, हाँ, कि ताऊ जी ये क्या रायता फैला है. कि आप क्या फेंक के मारे यहां से, यही काम रह गया हमारे पास. चलो ऊपर देते पूरा टाइम. But the truth is that I bought into this movie so much कि मुझे लगा मुझे इशारा मिल भी गया. Of course, हाँ, चार बारी. पहला boyfriend, पहला rebound, पहला fuck boy, हर बाला का भगवान ने बोला है. यही वाला है. अंदर से आवाज आई है. लोगों ने कहा इसको इंग्लिश में horror नहीं बोलते हैं. इनका कोई हाथ नहीं है actually. ये आप ही के चल रहा है जो चल रहा है. None of that worked out, okay. But I can't end this show on a dishonest note, so I have to say something, okay. The truth is that yahan pe main kitne bhi jokes maar lu, kitna bhi cynical bolu, hum log kitna bhi saath mein hans le, you will go back home and you won't stop believing in love, okay. Because I think at some level love gives us hope, okay. Aap kitne bhi cynical face se ja rahe ho life mein, okay, at some level you still want to believe that you know it exists, because you know, या तो आपने अपने लाइफ में या किसी और के लाइफ में होते हुए देखा भी है कि somehow, somewhere you come across someone and weirdly there is a connection, okay? People do meet in a house party or on an app and they really do click and you're like, this cannot be explained logically but it works, right? And I'm saying this because it happened to me also. A few years back, okay, this person walked into my life and I was like, oh shit, ऐसा लग रहा है कायनात ने फ्लड लाइट ही ऑन कर दी है कि देख लो भैया समझ में आ गई है, यही वाले हैं तुम्हारे लिए, हाँ, कुछ लेजर फेंक के मारे क्या इसके बाद. And I was like, oh my God, how can it be so clear in some weird way? Okay, I just know this is my person, okay? And I'm really glad it happened because it's been 3.5-4 years and I have genuinely never been more in love, okay? I have never felt feelings like this before. I'm really glad that I get to feel this because love gives you such great perspective over people and over relationships and over yourself. And I really am very thankful. I can't complain anymore. और अगर मुझे भगवान से कुछ बोलना होगा तो सिर्फ इतनी सी बात होगी कि आई थिंक अब उसको भी इशारा मिल जाना चाहिए. I think it's high time that he gets to know about my existence. कि कब हमारी थोड़ी मैत्री दोस्ती होगी, हैं? बाद आगे थोड़ा प्यार मोहब्बत तक पहुंचेगी, हैं? थोड़ा इश्क घड़घड़ा होगा, वो डिवोर्स पेपर फाइल करेगा उसके बाद. डेढ़ दो साल लोग कहते हैं उसमें भी जाता है. एंड लेट्स फेस इट गाइस, ओके, कि 5-10 मिनट तक ना हर एक्टिविटी क्यूट, हर एक्टिविटी सुंदर, हर एक्टिविटी इंडियरिंग लगती है, पर आप 5-10 साल तक एक ही रेडियस पे खड़े हुए किसी को दूर से देख के शर्माते रहे तो आप माया कम मंजुली का ज्यादा बन जाते. ऑल राइट गाइस, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो मच.